हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीआर टेक्निकल में आपका स्वागत है भाई। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के बाद, ठीक है। आज हम बताएंगे आप लोगों को पीएनजी फोटो कैसे बनाते हैं। अगर किसी भी फोटो पीएनजी कराना है होता है, मान कि आप कोई पोस्टर बना रहे हो या तो कोई फ्रेम बना रहे हो, तो उसमें वो आपको पीएनजी फोटो लाता है जो बैकग्राउंड हटा रहता है, ठीक है। ओनली अगर आपको फोटो रहता है किसका, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा आपको एक क्लिक में कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में खोल लेना है, किसी भी एक एप्लीकेशन खोल लेना है जो, तो हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं आपकी इस तरह के, ठीक है। इस तरह यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड, ओके। रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड लिखेंगे, जैसे रिमूव बैकग्राउंड खोलते हैं आपको इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, तो इस पर क्लिक कर देना, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वीडियो खोल सकते हो। यहाँ पर देख रहा है आपको अपलोड इमेज, ठीक है। तो आपको अपना इमेज को अपलोड कर देना है, अपने गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको मैं अपने गैलरी में जाकर आपको ये फोटो को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने नीचे और जितने यहाँ पर एक फोटो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इस पर जैसे ही अपलोड करोगे तो आपको इस तरह का अपलोडिंग में आएगा, उसके बाद आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। देखिए आपको हमारा फोटो रिमूव हो गया है और इस तरह का आ गया, ठीक है। अगर इस तरह का रिमूव बैकग्राउंड आपको करना है, ठीक है, तो इस पर उसके बाद यहाँ पर HD डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे, तो HD डाउनलोड पे करोगे तो वहाँ पर आपको ईमेल कर लेने के लिए मांगेगा। तो उसमें मत कीजिए, यहाँ पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना। तो मैं इसको डाउनलोड इमेज पे कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा यहाँ पर डाउनलोड का, ठीक है। तो जैसे आपको डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड आपका इस तरह का हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा बैकग्राउंड पीछे का सब कुछ हट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा का सारा मेरा हटा हुआ है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन जरूर, और कोई प्रॉब्लम पड़ता है तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा, मैं इस पर भी वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है।